हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज से डेली आप लोगों का साढ़े आठ बजे रीजनिंग का एक टेस्ट होगा जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया था एसएससी जीडी सी जी और जो रेलवे के एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए बताया था लेकिन खासकर एस एस और एम के लिए और मैंने कहा था रीजनिंग का आपको ना कोई बुक लेने का जरूरत है रीजनिंग का ना आपको कुछ अलग से पढ़ने का जरूरत है अगर आप डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व करेंगे तो भी आप टोटल में से मतलब अगर आपका 25 नंबर का रीजनिंग आता है तो आप आराम से 25 में से 22, 23 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देख के और चीजों को कवर करके और अपने डाउट्स क्लियर करके करते हैं तो पच्चीस में से पच्चीस भी ला सकते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से मैं डेली आप लोगों का साढ़े बजे रीजनिंग का एक टेस्ट लूंगा तीन दिन तक आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा फिर जीके होगा इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी और ऐप पर आप लोगों की जो हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप है वहां पर आप लोगों का मैथ्स का क्लासेस होता रहेगा चीजें आपकी सभी होगी यह मैं आपसे पहले भी बोला था शुरू करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं आज पहला क्लास है जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है डेली मैं एक एक ही चीजें बार बार नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे एक बार शेयर कर दे आवाज आप लोगों तक आ रही है भाई एक बार सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं जिनके पास आवाज आ रही है कार्तिक सिंह अजय मौर्या आप सभी के पास तक आवाज पहुंच रही है क्लियर है चलो शुरू करते हैं अब पहला क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आएंगे मैं चाहूंगा आप विदिन पच्चीस मिनट के अंदर इस पेपर को करें क्योंकि बोलने में समय लगेगा कुछ करने में तो 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा है आपको लेना और 25 मिनट के आठ अड़तालीस पे वीडियो शुरू हुआ है तो मान के चलो दस मिनट ये सवा आ, आ, सवा नौ बजे तक हमें खत्म कर देना इन पच्चीस क्वेश्चन को क्लियर है शुरू करें कॉपी पेन साथ रखेगा ज्यादा समय नहीं दूंगा एक क्वेश्चन के लिए फटाफट आगे बढ़ते जाना है सीखते जाना है क्लियर है पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा जवाब दीजिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका समय शुरू होता है अब 25 सेकंड है जवाब दो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ध्यान से देखिए ओब्जर्व करने की कोशिश करें और बताएं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अर्जुन कुमार 25 बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 25 फाइव इज द करेक्ट आंसर जिन लोगों ने 25 बोला है और जिनका 25 आया है बिल्कुल सही जवाब है फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए 25 करेक्ट आंसर है कैसे देखो 13 से 20 बना प्लस सात बीस से 27 बना प्लस सात यानी कि डिफरेंस सेम चल रहा है 9 से 10 10 से 11 एक एक ऐसा कुछ होगा जिनका भी डिफरेंस सेम आना चाहिए पच्चीस अगर आप लिखते हो सत्रह और आठ सत्रह प्लस आठ पच्चीस होता है और जब आप 25 में भी 8 जोड़ोगे तो 33 बनेगा करेक्ट आंसर क्या होगा 25 क्योंकि डिफरेंस सबका बराबर था करेक्ट आंसर होगा 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 16 27 23 16 सैंतीस पैंतालीस क्वेश्चन मार्क इक्यानवे इक्यानवे की, की जगह बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से हर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट है जवाब देना स्टार्ट करिए गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग डेली साढ़े बजे रीजनिंग का क्लास होगा आप लोगों का डेली जवाब दीजिएगा लाइव क्लास होगा तीन दिन रीजनिंग क्लास होगी और तीन दिन आप लोगों का जीके और हो सकता है दो तीन दिनों पे आप मुझे बोर्ड पर देखना स्टार्ट कर दे बोर्ड पर क्लासेस स्टार्ट हो जाए आपकी जो आप दे सेकंड वन करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार सभी थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर जिन लोगों का पचास आया है बिल्कुल सही जो आप पचास करेक्ट आंसर होगा भाई पचास बताइए कैसे देखो तेरा प्लस तेईस कितना होता है जब आप तेरह प्लस तेईस बोल करेंगे तो आप बोलेंगे छत्तीस और छत्तीस में नो ऐड किया पैतालीस बना ध्यान से ऑब्जर्व करिए सोलह सोलह बत्तीस हुआ ठीक है और ऐसे ही जब आप सत्ताईस प्लस सैंतीस करते हैं तो ऑब्जर्व करिए कितना बना तो आप बोलेंगे सर फोर तीन दो पांच ठीक है तो यह बन गया चौसठ चौसठ में कितना एड हुआ है तब जाके इक्यानवे बनता है यहां पर जब आप 18 ऐड करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा 50 तो यानी कि क्या हुआ पहले नो ऐड हुआ फिर नो का डबल 18 और फिर नो का तीन गुना 27 पहले नो ऐड दूसरी सीरीज में 18 ऐड और उससे अगले सीरीज में 27 ऐड करेक्ट आंसर क्या होगा 50 जो है जो है इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा चार पंद्रह अड़तालीस पांच अट्ठारह क्वेश्चन मार्क तीन बारह उनतालीस जल्दी से आई थिंक आंसर आ चुका होगा इतना समय लेने का जरूरत नहीं था पैटर्न ऑब्जर्व करो देखो पांच और तीन आठ बना आठ का आधा करते हो तो चार अट्ठारह प्लस बारह आप बोलेंगे सर तीस तीस का आधा पंद्रह दिखाई दे रहा है ऊपर दिखाई दिया अब इसको एक्स मान लो एक्स प्लस उनतालीस डिवाइडेड बाई टू किसके बराबर 48 के आंसर निकल जाएगा 96 में से उनतालीस घटा दो 16 में से नो गया सात जिसके लास्ट में है वही आंसर है 57 57 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्क्रीन पे है आपकी बनाइए सात इक्कीस आठ सत्रह क्वेश्चन मार्क पांच बारह ग्यारह तेरह और इन पच्चीस में से आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट करके भी बताइएगा लास्ट में जवाब दे जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्थ आई थिंक क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी आंसर आप लोगों का आ चुका होगा आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा तो सात प्लस इक्कीस प्लस आठ जब आप ऐड करते हैं तो छत्तीस बनता है नीचे वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करो बारह प्लस ग्यारह आप बोलेंगे तेईस तेईस प्लस तेरह छत्तीस बना तो सत्रह पांच बाईस बाईस में कितना ऐड करें कि छत्तीस बन जाए हर एक तरीके का क्वेश्चन है कि किस किस तरीके से पजल वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो बाईस में आप बोलोगे सर फोर्टीन ऐड कर दो करेक्ट आंसर सोलह होगा तो फोर्टीन करेक्ट आंसर है फोर्टीन मिला समझ आया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर पजल ही है बनाइएगा आठ ग्यारह सत्रह ग्यारह सत्रह उनतीस तेरह इक्कीस क्वेश्चन मार्क यहां पर क्या आएगा ऑब्जर्व करिए सोचिए जवाब दीजिएगा थर्टी थ्री काफी लोग बोल रहे हैं क्या थर्टी थ्री करेक्ट आंसर है जिन लोगों ने थर्टी थ्री बोला है सबका अगर आप सोच रहे हैं थर्टी थ्री करेक्ट आंसर है तो मैं आपको बता दूं गलत जवाब है गलत जवाब है थर्टी थ्री सिंह ने सैतीस बोला थर्टी सेवन करेक्ट आंसर है चलो ले ले लो लो ट्राई करो इसका 37 कैसे आया बताना होमवर्क है कल बताता हूं काफी लोग ऐसे पजल बनाते हैं ना बनाओ काफी लोगों ने 33 बोला कुछ लोगों ने 37 भी बोला 39 भी आ गया आंसर 37 है आज आपका होमवर्क है सोचो और बनाने की कोशिश करना सैंतीस आया कैसे है कल की वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन यही होगा इसको सोल्व कराऊंगा आज खुद ट्राई करो इसको 33 की 37 क्या होगा इसका सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर सीरीज के क्वेश्चन है आपको बताना है अगला नंबर क्या होगा 210 दस है फिर एक बीस फिर साठ फिर चौबीस फिर 6 और यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा जवाब दीजिएगा और बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का बताइए आंसर जल्दी से तो भाई जिन लोगों का जीरो आया है करेक्ट आंसर है जीरो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर कैसे देखो 210 में से 120 कब आएगा जब आप 90 घटाओगे 120 में से 60 कब आएगा जब आप 60 घटाओगे क्लियर है 30 कम हुआ फिर 30 कम करो या कितना कम करोगे देखो ध्यान से देखो इसको आंसर जीरो है बताता हूं जल्दी से एक बार ट्राई करो जीरो आंसर है बिल्कुल फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी होता है सब कर दिया टेन सिक्स जा नाइन्टी होता है सब कर दिया ठीक है अब उसके बाद सोचिएगा यहां पे सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स माइनस हुआ है चौबीस हुआ फिर उसके बाद थ्री इंटू सिक्स माइनस हुआ अठारह छ हुआ और यहां पे जीरो अब कैसे देखो सबसे पहले यहां पे तुम्हें कैसे क्या हुआ होगा माइनस जो हुआ होगा वो वन इंटू सिक्स हुआ होगा वन के बाद दो बढ़ा तीन हुआ तीन के बाद तीन बढ़ा छह हो गया छह के बाद चार बढ़ा है दस हुआ और चार के बाद पंद्रह उल्टा चला हुआ था आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ कैसे सभी को समझ आया पहले क्या था छह में से छह हुआ जीरो जो कि वन इंटू सिक्स होता है उसके बाद एक की जगह तीन आ गया तीन चंग अठारह चौबीस में से अठारह गया छह ठीक है उसके बाद तीन की जगह छह हो गया छह चंग छत्तीसगढ़ थर्टी सिक्सटी में से थर्टी सिक्स गया ट्वेंटी फोर इस तरीके से फिर छह के बाद वो दस बन गया दस के बाद वो पंद्रह बन गया और छह का मल्टीप्लाई तो सब में हो ही रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है सैतीस इकतीस छब्बीस बत्तीस उन्नीस सत्रह क्वेश्चन मार्क जवाब दीजिएगा आई थिंक ये तो समझ आ ही गया होगा देखते हो जब आप सत्रह दो उन्नीस उन्नीस तीन बाईस बाईस चार छब्बीस तो यहां पर क्या हो रहा होगा सोलह रहा होगा सभी को समझ में आया होगा भाई सोलह उल्टी तरफ से देखना स्टार्ट करो सोलह एक सत्रह सत्रह में दो ऐड किया उन्नीस उन्नीस में तीन ऐड किया बाईस बाईस में चार ऐड किया समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पांच दस सत्रह क्वेश्चन मार्क सैंतीस जवाब दीजिएगा और एक बार प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप डेली चाहते हैं डेली एक टेस्ट आप लोगों के लिए डेली साढ़े आठ बजे एक टेस्ट बिल्कुल प्योरली आपके एग्जाम पैटर्न पर पांच दस सत्रह क्वेश्चन मार्क्स सैतीस देखो पांच में पांच ऐड करोगे दस बनेगा दस में सात ऐड करोगे सत्रह बनेगा दो बढ़ गया अब आप क्या बोलोगे सर नो no ऐड कर दो 26 बनेगा और 26 में 11 ऐड करोगे 37 बनता है यानी कि नो करेक्ट आंसर होगा तो 17 प्लस नो छब्बीस करेक्ट आंसर है आया क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपकी स्क्रीन पर मैंने बोला आपको ये 25 क्वेश्चन 25 मिनट से पहले करने हैं पेपर में इतना समय भी नहीं मिलेगा पंद्रह मिनट के अंदर आपको करना होगा बनाइएगा तीन पांच आठ तेरह इक्कीस चौंतीस क्वेश्चन मार्क जवाब दीजिएगा ये तो आसान ही क्वेश्चन है जिसके लास्ट में पांच होगा वही आंसर होगा दो ऑप्शन में है पचपन करेक्ट आंसर है आई थिंक आ गया होगा कैसे पिछले वाले में पिछले वाला एड करते जाओ पांच प्लस तीन आठ आठ प्लस पांच तेरह अगला नंबर आ गया तेरह प्लस आठ इक्कीस इक्कीस प्लस तेरह कितना होता है चौतीस चौतीस प्लस इक्कीस कितना बनेगा आप बोलोगे सर पचपन बनेगा बात खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तीन चार दस तैतीस क्वेश्चन मार्क जवाब दीजिएगा तीन चार दस तैतीस आंसर आया देखो थ्री इंटू वन प्लस वन कितना बना चार बना फोर इंटू टू प्लस टू दस बन गया ऐसे ही जब आप टेन इंटू थ्री प्लस थ्री करेंगे थर्टी थ्री समझ आ गया होगा और अगला नंबर थर्टी थ्री इंटू फोर प्लस थ्री चारतीय बारह तीन पंद्रह जिसके लास्ट में क्या होगा चार चारतीय बारह और तीन हाँ बताओ जल्दी से यही है या कुछ और है फोर होगा सॉरी यहां पे फोर होगा हाँ फोर एक दो तीन और उसके बाद चार चार तीन बारह बारह और चार सोलह जिसके लास्ट में छह है वही आंसर है वन थ्री सिक्स करेक्ट आंसर होगा वन थ्री सिक्स क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा एक बार जल्दी से किसी बगीचे में गुलाब के पौधों की आठ पंक्तियां हैं और दस कतारें हैं प्रत्येक पौधों के बीच दो फीट की दूरी है और बगीचे की सीमा के चारों किनारों से एक फीट की दूरी को छोड़ दिया गया तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करें आठ पंक्तियां दस कतारें प्रत्येक पौधे के बीच दो फीट की दूरी तो भाई दस कतारें हैं तो उनके बीच में कितनी जगह होंगी नौ जगह एक दो तीन चार पांच ऐसे और कितने कितने मीटर की फीट की दूरी है दो की तो अट्ठारह फीट तो ये हो गया हां कि ना अब बगीचे की लंबाई कितनी है एक दो गुणा नौ प्लस एक हो जाएगा एक फीट की दूरी दोनों तरफ छोड़ी गई है भाई एक फीट की मान लो ये बगीचा है इधर से एक फीट की दूरी इधर से एक फीट की दूरी तो दो गुना नौ प्लस दो बीस फीट ये हो गया आंसर क्या हुआ बीस फीट करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फीट बहुत बढ़िया भाई दस कतारें हैं तो जगह कितनी होगी उनके बीच में नौ होगी और हर एक फीट की दूरी पे कितनी जगह दो की नौ दुनिया अट्ठारह और एक फीट की इधर छोड़ी हुई है एक फीट की इधर बीस करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यदि किसी संख्या में अट्ठारह जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है अट्ठारह जोड़ देने से अगर इसके अंक पलटे तो संख्या कौन सी है आंसर होगा फिफ्टी सेवन कुछ ज्यादा नहीं सोचना था अट्ठारह ऐड करके देखो सत्ताईस में अठारह ऐड करोगे आठ सात पंद्रह सत्ताईस में तो पांच कहीं है नहीं ये तो नहीं होगा अठारह चौतीस में ऐड करके देखो आठ चार बारह चौतीस में कहीं दो दिखा आपको नहीं खत्म अठारह पैंतालीस में ऐड करो अठारह प्लस पैंतालीस आखिरी का अक्सर देखो आठ पांच तेरह पैंतालीस के अंदर तीन तो है नहीं यह भी नहीं होगा अब सत्तावन में अठारह जोड़ लो मुझे पतरा है कि आठ और सात पंद्रह बनाते हैं यही आंसर दे देगा क्योंकि सत्तावन के अंदर पांच पहले ही छुपा हुआ था और पांच और इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में अच्छा आप लोगों में से जो अभी देख रहे हैं कितने लोगों ने एस एस या डिफरेंट मैथ्स का सिलेबस ले रखा है ऐप पर जिन्होंने मैथ्स का सिलेबस ले रखा है और क्लास कर रहे हैं एक बार यस लिखकर भेजना जिन लोगों ने ऐप पर ले रखा है वो यस लिखकर भेजे जिनको पता है कि और टॉपिक बताएं कि कौन सा चल रहा है हमारा ऐप पर कौन सा टॉपिक चल रहा है ऐप पर बताना एक बार भाई अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर पता लग गया होगा सबसे पहले लेफ्टिनेंट आता है ठीक है सबसे पहले लेफ्टिनेंट आता है सी करेक्ट आंसर होगा जो सीरीज से शुरू होगा और एक ही ऑप्शन में था फोर्थ वन खत्म क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें क्या बोला है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर ठीक है।, है तो फोर्थ करेक्ट आंसर है बिल्कुल सबसे सबसे पहले जब आप आर्मी में एनडीएस के थ्रू जाते हैं तो लेफ्टिनेंट बनते हैं फिर उसके बाद कैप्टन फिर मेजर फिर लेफ्टिनेंट कर्नल फिर कर्नल फिर ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल अच्छा राहुल कुमार प्रशांत त्यागी मोनिका प्रजापति ठीक है अंकित राव तो भाइयों आज का दरअसल ये है मुझे थोड़ा सा आज भी बाहर जाना है आज क्लास नहीं हो पाएगा आपका टाइम एंड का कल भी नहीं हुआ आज भी नहीं हुआ, भी नहीं हुआ माफी चाहूंगा दो दिन के लिए और इसीलिए मैंने जल्दी से थोड़ा रीजनिंग की क्लास व्लास थोड़ा शेड्यूल करना है लेकिन हो सकता है कल या परसों तुम्हारी बोर्ड पे क्लास होने लगेगी कल भी नहीं हुई थी आज भी नहीं होगा माफी चाहूंगा लेकिन कल से आपका कंटिन्यू क्लास होगा ठीक है और जो आज क्लास नहीं हुआ उसको मैं सैटरडे को रख लूंगा मैंने क्या बोला था सैटरडे संडे आपका क्लास नहीं होगा तो सैटरडे को आपका ऐप पर क्लास होगा इस बार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यदि किसी कूट में थ्रेड शब्द को यह लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा जो क्लास आज नहीं होगी मैंने बोला था सैटरडे संडे मैच का क्लास ऐप पर नहीं होगा लेकिन इस बार आप लोगों का सैटरडे को क्लास हो जाएगा ऐप पर घबराने का जरूरत नहीं है जो क्लास आज नहीं हुआ वो सैटरडे को मैं करा दूंगा जवाब दीजिएगा थ्रेड को अगर ये लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा लिख लो ऊपर नीचे टी एच आर ई ए, ए डी और उसके नीचे लिखो एस आई क्यू एफ जेड ई प्लस वन माइनस वन कुछ दिखा या नहीं दिखा दिखा देखो टी से एस माइनस वन एच के बाद आई प्लस वन क्यू के बाद आर आता है माइनस वन ई के बाद एप प्लस वन यही कंसेप्ट इसमें चलेगा एन के बाद पहले क्या आएगा एम बिल्कुल माइनस वन करोगे तो एम आएगा ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा आर के बाद क्या आता है लास्ट में एस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट वन आंसर फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लीस्ट वैल्यू सबसे कम कौन सा होगा वन हाफ ऑफ वन हाफ वन थर्ड ऑफ वन थर्ड टू थर्ड ऑफ वन थर्ड या वन क्वार्टर ऑफ वन हाफ इनमें सबसे छोटा कौन सा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जवाब दीजिएगा जल्दी से सात मिनट बची है भाई और दस क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाइए च वन ऑफ द फॉलोइंग्स द लीस्ट वैल्यू एंड द आंसर विल बी और प्लीज शेयर किया करो वीडियो को यार आप लोग शेयर नहीं करते हैं प्लीज शेयर करो सपोर्ट करो यार आप लोगों के लिए ही तो है करेक्ट आंसर क्या होगा वन बाई नाइन करेक्ट आंसर है एक तिहाई का एक तिहाई देखो आधे का आधा वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना बना फोर क्लियर है ऐसे ही मैं करता हूं एक तिहाई का एक तिहाई वन बाई थर्ड इन वन बाई थर्ड वन अपॉन नाइन फिर उसके बाद अगर मैं करता हूं टू थर्ड ऑफ वन थर्ड टू थर्ड ऑफ वन थर्ड यानी कि टू अपॉन नाइन और वन क्वार्टर ऑफ वन हाफ वन क्वार्टर ऑफ वन हाफ तो यह क्या बन गया वन अपॉन एट तो सबसे छोटा कौन सा है वन अपॉन नाइन क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है और ऊपर सबसे छोटा है नेक्स्ट क्वेश्चन फोरेस्ट को अगर ये लिखा जाता है नियर को आप ये लिखते हैं टाई को 758 लिखते हैं तो ओरेशन को क्या लिखेंगे ओरेशन को आप क्या लिखेंगे तो कोड सीधा सीधा छाटना है आप लोगों को जल्दी से बताइएगा ओ के लिए कोड कौन सा यूज किया गया देख लीजिएगा थ्री तो पहले दो ऑप्शन हट गए आर के लिए क्या यूज किया गया है देखिए फोर ठीक है उसके बाद आप चौथा अक्सर चेक करिए टी टी के लिए क्या यूज किया गया है आप देखेंगे सेवन और चौथे पर टी सेवन फोर्थ आंसर में है सिक्सटींथ का फोर्थ करेक्ट आंसर होगा मिला कि नहीं मिला आगे बढ़े चलो कोटन को अगर यह लिखा जाता है थॉट्स को क्या लिखा जाएगा कोटन को सी ओ टी टी ओ एन को लिखा गया टी ओ सी एन ओ टी तो पूछा है थॉट्स को आप क्या लिखेंगे इसी प्रकार टी एच ओ यू जी एच टी एस सीधा एस इस तरीके से लिख लिया करो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो एन इधर आ गया ओ इधर ही है टी इधर समझ रहे हो टी इधर ओ इधर एन इधर उसी तरीके से शब्दों को बांट दो जी इधर चला जाएगा एस इधर आ जाएगा तो लिख दो जी एस टी तुम्हारा इधर आ जाएगा एच इधर आखिरी में जिसके लास्ट में ये आएगा एस टी एच जी एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा फोर्थ वन आंसर है बहुत बढ़िया निकेत शर्मा निकित शर्मा बहुत बढ़िया प्रशांत त्यागी अर्जुन कुमार राहुल कुमार चौधरी अंकित अंकुर लाटियान सोविन कुमार राहुल अंकित राव गुड भाई गुड बढ़े आगे डेली आप लोगों का साढ़े आठ बजे क्लास होगा अब से नेक्स्ट क्वेश्चन इन चारों में सबसे अलग कौन सा है क्वेश्चन नंबर एटीन आप लागू आप लोगों के पास चार मिनट बची हुई हैं और सवाल आप लोगों के पास है पांच दो सात जल्दी से बताओ भाई मैंने 25 मिनट का समय दिया था 25 मिनट में करना है चार मिनट बची हुई है आपके पास 48 पे स्टार्ट किया था तो 12 वो और 11 ये कितने मिनट हो गई 23, वैसे तो दो, दो ही मिनट बची है लेकिन कोई नहीं जल्दी से बताइएगा भाई इनमें सबसे अलग कौन सा है पी क्यू आर टी ठीक है ई एफ जी एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड आना चाहिए था थर्ड वन करेक्ट आंसर होगा क्लियर है कि नहीं देख लीजिए या सेकंड वन थर्ड या सेकंड पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एच सेकंड वन होगा सॉरी भाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए हां सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड करेक्ट आंसर है भाई जिन लोगों ने सेकंड बोला थर्ड मेरे चक्कर में बोल दिया तो गलत हो गया आपका भी ई एफ जी एक छोड़ना था ना पी क्यू आर उसके बाद एस छोड़ रखा था जब टी आया ई एफ जी यहां पर एच को छोड़ना था आई आना चाहिए था सामने देखो एस आर एस टी यू को छोड़ रखा है वी आया है नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो उन्नीसवा जल्दी से उन्नीसवे का जवाब दीजिएगा सी तीसरे पर आता है जी सातवें पर आता है एन तेरहवे पर आता है चौदहवे पर सॉरी और एक्स कितने पर आता है चेक कर लीजिए तीन के बाद डिफरेंस कितने का चार का सात के बाद कितने का सात का चार और सात ठीक है आई एम टी डी आई नो पर आता है एम तेरह पर आता है नो चार तेरह टी ट्वेंटी पर सात बीस ये तो ठीक जा रहा है डी ऑप्शन फोर्थ ओ आर वाई जेड डी और राहुल कुमार बिल्कुल सही जवाब है भाई J आप लोगों का दसवें पर आता है एन फोर्टी पर यू आप लोगों का इक्कीसवे पर आता है यह भी परफेक्ट जा रहा है ओ देखो यहां पर पंद्रह पर आता है आर इजोटी याद होगा तो जल्दी आएगा आंसर आप लोगों को पता है ओ पंद्रह पर टी ट्वेंटी पर अब ओ पी क्यू आर सोलह सत्रह अट्ठारह तीन का ही डिफरेंस है पंद्रह से अट्ठारह में इसलिए फोर्थ ट्वेंटी के आ जाओ एक्स यू सी एफ डी ए डब्ल्यू जेड U के बाद वी डब्ल्यू छोड़ा X आया C के बाद डीई एफ e, इधर चलो M N के बाद ओ पी क्यू जे के बाद के एल एम ठीक है समझ रहे हो दो दो का गैप छोड़ा गया A के बाद बी सी डी W के बाद Z आना चाहिए था थर्ड ऑप्शन करेक्ट है या फोर्थ W के बाद एक्स वाई जेड सही है थर्ड जीडीटीवी फोर्थ करेक्ट आंसर है कि फोर्थ जो है यहां पर सबसे अलग है बाकी तो सारे सेम थे आई थिंक समझ आ गया होगा सबको फोर्थ वन भाई एक्स के बाद यू के बाद देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं था एक्स आया सी के बाद डी ई एफ इधर माइनस टू हो रहा था इधर आप सॉरी माइनस थ्री करेंगे इधर प्लस थ्री करेंगे इधर माइनस थ्री करो क्यू के बाद जे के बाद प्लस थ्री करो तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं छाता धूप ओजोन क्या होगा एक मिनट बची है चार सवाल छाता धूप ओजोन जिस प्रकार छाते का संबंध धूप से है ओजोन का संबंध किससे होगा इंफ्रारेड रेज लाइट रेज अल्ट्रा रेज या एक्सरेज तुरंत जवाब आ गया होगा अल्ट्रा रेज किसी को कोई डाउट है छाता धूप से बचाता है और ओजोन हमें अल्ट्रा रेज से जैसे संगीत का संबंध है ताल से डिजाइन का संबंध किससे होगा जवाब दीजिए जैसे संगीत में होती है ताल डिजाइन में होती है सिमेट्री क्या होती है सिमेट्री फर्स्ट वन करेक्ट आंसर होगा डिजाइन में मिलता है सिमेट्री फर्स्ट वन करेक्ट आंसर तीस सेकंड बचे हैं भाई और तीन सवाल रतौंधी विटामिन ए स्कर्वी किसकी कमी से होगा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी इस करवी कमी से होता है विटामिन बी लोहा विटामिन सी आयोडीन जल्दी जल्दी विटामिन सी बढ़ई आरी मेसन का संबंध किससे होगा भाई बढ़ई का औजार आरी है मेसन यानी कि मिस्त्री हथोड़ा ईट फावड़ा या करनी मेसन को बोलते हैं मिस्त्री और मिस्त्री को क्या, क्या चाहिए करनी फूल गुलदस्ता अपराधी जवाब दे पच्चीस जल्दी से आप बोल रहे हो सर थोड़ा तेज चल रहा हूं कारण है 25 मिनट में 25 सवाल करने थे और हमने 25 मिनट में सारे 25 सवाल कर दिए कल से आप भी स्पीड बढ़ाइएगा हमें यही स्पीड बढ़ानी है मुझे तो थोड़ा बोलने में समय लगता है देखो फूल का संबंध गुलदस्ते से तो समझ रहे हो फ्लावर बकेट जो फूल है वो गुलदस्ते के अंदर रखा जाता है और अपराधियों को हम कहां पे रखते हैं पता ही होगा जेल के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा जेल तो दोस्तों ये थे आज के 25 सवाल डेली तीन दिन आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा आखिरी के तीन दिन आप लोगों को मैं जीके जीएस प्रिपेयर कराऊंगा मैथ्स आपकी ऐप पर चली रही है आज क्लास नहीं होगा लेकिन कल क्लास होगा और बाकी की जो क्लासेज हैं आपका करंट अफेयर्स जनवरी से मैं स्टार्ट करा सकता हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाता रहूंगा ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी का ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले आज का टेस्ट मिला कैसा बताइएगा जरूर रीजनिंग पर ही होगा साढ़े आठ बजे ठीक है बाकी बीच में आपको अपलोडेड वीडियोज भी मिलती रहेंगी दिन में एक दो तो ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा थैंक यू जय हिंद जय भारत टेक केयर लव यू ऑल और ध्यान रखिए प्लीज शेयर करिएगा अगर पसंद आए दोस्तों के साथ और पूरी उम्मीद रहेगी इस बार एस एस में 1500 प्लस सिलेक्शन का वैकेंसीज काफी है स्टूडेंट काफी जुड़ेंगे लास्ट तक 1500 प्लस सिलेक्शन ठोक के देना है थैंक यू जय हिंद जय भारत